देख रहे हैं केवल सच। बिहार के सभी 8,500 पंचायतों की समस्याओं को चिन्हित कर उसके विकास का ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे प्रशांत किशोर। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। जन सुराज पदयात्रा के दौरान प्रशांत किशोर ने लौरिया के कटैया बाजार में एक आम सभा को संबोधित करते हुए कहा, आपके पंचायत आपके गांव में आपकी समस्याओं को जानने आए हैं। हर गाँव हर पंचायत की अलग अलग समस्याएँ हैं। बिहार के सभी 8,500 पंचायतों के विकास का अलग अलग ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे। हर पंचायत के 4 प्रमुख समस्याओं को चिन्हित कर उनके समाधान की योजना बनाएंगे। पंचायत में क्या करने पर रोजगार मिलेगा, क्या करने से किसान की दशा सुधरेगी, इस प्रकार 8,500 योजना बनाने का प्रयास है। इसीलिए पदयात्रा कर रहे हैं। बिहार के समग्र विकास के लिए पंचायत आधारित समस्याओं और उनके समाधानों की विस्तृत ब्लूप्रिंट जारी करेंगे। सुनिए उन्होंने आगे क्या कहा। इसीलिए पदयात्रा कर रहे हैं। पदयात्रा इसलिए भी कर रहे हैं कि आकर आपके गांव में, आपके पंचायत में, आपके शहर, आपके कस्बा में देखें कि आपकी समस्या क्या है। यहाँ पर मान लीजिए कि पानी नहीं पहुंच रहा है, आप यहाँ गली देख रहे हैं कि सब बना हुआ है। ज़्यादातर पंचायत में गलिए नहीं है, वहाँ हाथ हुआ है। किसी पंचायत में स्कूल है, टीचर नहीं है। किसी पंचायत में अस्पताल है, डॉक्टर नहीं है। कहीं अस्पतालें नहीं है, कहीं नहर से पानी नहीं जा रहा है, कहीं छोटा मोटा फैक्ट्री था बंद हो गया है। हर पंचायत हर गांव के अलग अलग समस्या बा। तो पदयात्रा के माध्यम से प्रयास की बा कि सब नेता जन आकाशे में उड़तान, तो हमनी के कम धरती पर जनता बा ओकरा बीच में जाई जाओ, ओकरा से मिलल जाओ, मिल के पूछल जाओ कि भैया रहुआ का समस्या बा, का तकलीफ बा, आ सारा राउर समस्या के संकलन कर जाओ। आ बिहार भर में जितना 8,500 पंचायत बा, एक पंचायत के विकास खातिर अलग अलग ब्लू प्रिंट बनो। मतलब हर पंचायत के एगो योजना होके के चाहिए। पूरा बिहार के रही तो ठीक बा, लेकिन 8,500 पंचायत के भी योजना अलग अलग होके के चाहिए कि ये पंचायत में कौन गो चार गो काम प्राथमिकता के आधार पर होके के चाहिए। कौन काम ये पंचायत में हो जाए तो लोग के रोजगार मिल जाए, कौन काम ये पंचायत में कर दिया तो किसान के दशा सुधर जाए। तो 8,500 ऐसा योजना बनावे के, हर पंचायत के एगो विशेष योजना बनावे के प्रयास बा, ऐसे पदयात्रा कल जा रहा बा। कोई दल नहीं बनाए हैं, कोई वोट नहीं मांग रहे हैं, पदयात्रा पर आकर आपको हाथ जोड़ रहे हैं, आपको निवेदन कर रहे हैं, आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। मेरे मेरे भाई, अगर आप अपना और अपने बच्चों का भविष्य देखकर वोट नहीं कीजिएगा, जाति के आधार पर, धर्म के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर अगर वोट करते रहिएगा, उससे आपका भला होने वाला नहीं है। कोई नेता कोई दल आपका चिंता नहीं करेगा। जब आप अपने बच्चा का चिंता नहीं कर रहे हैं तो कोई दूसरा आदमी चिंता काहे करेगा, नहीं करेगा चिंता। मोदी जी को हम लोग इतना वोट दे के जिता कर भेजे हैं, भेजे ना भाई। मोदी जी कितना वोट दिया ही बना, इसे मुड़ी हिलाओ तो वोट दिया ही बना, तो वोट दिया ही बताओ ना। मोदी जी जीत के गए प्रधानमंत्री हो गए, तो हमने के नारा लिखाई लोग 14 में, हर हर मोदी, घर घर मोदी। तो घरे घर में गुजरात का आदमी मोदी जी, या बिहार में घरे घर मोदी 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 होके लागल। सबके बुझाए कि मोदी जी एहन तो सब गरीबी दूर हो जाए, उद्योग लाग जाए, रोजगार मिल जाए। लागल कहीं नहीं खेल लागत, कहीं नहीं खेल लागत। घर घर से मोदी मोदी होता तो बंद हो गए। ठीक बात, तो मोदी जी के वोट दे 400 के करीब रहे आज से 10 साल पहले गन्ना के रेट एवर। ठीक बात, तो लेकिन वोटवा तो ओकरे के ना दिया, तो 4 बरस पहले जकरा के वोट दे रहे, फिर ओकरे के वोट देता नहीं, तो आदमी काहे काम करी। मोदी जी